हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडीज ओम एंड वी आर स्टार्टिंग हियर द चैप्टर परमोटिशन एंड कॉम्बिनेशन जिसको हिंदी में कहते हैं क्रमचय एंड संचय एंड दिस क्लासेस फॉर द प्रैक्टिस सो दिस इज प्रैक्टिस टाइम स्पेशली फॉर द केवीएस एनवीएस जेई मेंस एनडीए टीजीटी पीजीटी एंड वेरियस स्टेट एग्जामिनेशन सो लेट्स गो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास ओके okay गाइस तो आइए एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास द रिमाइंडर ऑफ टेंड वैन द एक्सप्रेशन वन टू थ्री फैक्टोरियल फैक्टोरियल वन प्लस फैक्टोरियल टू प्लस फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन फैक्टोरियल नाइन्टी फाइव इज डिवाइडेड बाई द फिफ्टीन तो अगर आपके पास ये नंबर दिया गया और कह रहा कि अगर आप फिफ्टीन से डिवाइड करते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखिए कि फैक्टोरी फिफ्टी किसके पास आ रहा है ओके okay? तो देखिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया गया है देखिए फैक्टोरियल वन कितना होता है फैक्टोरियल वन वन होता है फैक्टोरियल टू कितना होता है फैक्टोरियल टू टू होता है फैक्टोरियल थ्री कितना होता है सिक्स होता है फैक्टोरियल फोर कितना होता है ट्वेंटी फोर होता है और फैक्टोरियल जो फाइव होता है देखिए यहाँ पर आपको पहली बार फिफ्टीन मिल सकता है बिकॉज क्यों क्योंकि यदि आप यहाँ पर फैक्टोरियल की वैल्यू देखें फैक्टोरियल फाइव की तो वैल्यू आप यहाँ पर देखें फैक्टोरियल फाइव की तो किस तरीके से आती देखिए तो देखिए फैक्टोरियल फ़ाइव की जो वैल्यू हुआ करती है वो किस तरीके से निकलती है देखिए फ़ाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन मतलब कि फैक्टोरियल फाइव में पहली बार आपको फिफ्टीन के दर्शन होंगे पहली बार आपको फिफ्टीन मिलेगा सो so देन उसके बाद तो सब में आपको फिफ्टीन मिलेगा मतलब यहाँ से आगे के जितने भी नंबर होंगे वो सब के सब फिफ्टीन से क्या होंगे डिवाइड हो जाएंगे तो रिमाइंडर देने का ठेका कौन उठाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर सो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर यदि कर दो वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस सिक्स नाइन नाइन प्लस ट्वेंटी फोर भाई कितना हो गया थर्टी थ्री तो मतलब थर्टी थ्री में बस आपके रिमाइंडर नहीं मतलब फिफ्टीन नहीं आएगा बाकी सब में आपको फैक्टोरियल फ़ाइव एज अ कॉमन मिल जाएगा फैक्टोरियल फाइव सब में आपको कॉमन मिलेगा क्यों मिलेगा क्योंकि फैक्टोरियल फ़ाइव के बाद फैक्टोरियल सिक्स आएगा उसमें भी फैक्टोरियल फाइव मिलेगा फिर फैक्टोरियल सेवन आएगा और जिस चीज़ में आपके पास फैक्टोरियल फ़ाइव कॉमन आएगा वो वो आपको टर्म क्या दे देगा फिफ्टीन दे देगा फिफ्टीन मतलब डिवाइड हो जाएगा किससे से फिफ्टीन uh, से डिवाइड हो जाएगा वो टर्म तो मेनली हमारे पास जो टर्म बचा वन टू सिक्स एंड ट्वेंटी फोर तो टोटल कितना आ गया 33 थ्री अब थर्टी में डिवाइड करते हैं फिफ्टीन से क्योंकि बाकी के नंबर तो रिमाइंडर कितना प्रोड्यूस करेंगे जीरो देख लो आपको यदि कन्फ्यूज़न हो रहा है तो थर्टी थ्री प्लस फैक्टोरियल फाइव मल्टीप्लाई बाई समथिंग और आप इसको अगर फिफ्टीन से डिवाइड करते हो तो देखो यदि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे तो थर्टी थ्री अपॉन फिफ्टीन प्लस फैक्टोरियल फ़ाइव अपॉन फिफ्टीन ये तो कोई रिमाइंडर आपका प्रोड्यूस करेगा नहीं मेनली थर्टी थ्री प्रोड्यूस करेगा तो थर्टी थ्री में टू बार डिवाइड करो फिफ्टी टू जै थर्टी फिफ्टीन टू थर्टी और आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया थ्री तो करेक्ट आंसर इसका कितना होगा रिमाइंडर थ्री प्रोड्यूस करेगा सो आंसर इक्वल्स टू थ्री यहाँ पर रिमाइंडर कितना प्रोड्यूस होगा थ्री प्रोड्यूस होगा मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए थोड़ा सा ब्राइटनेस यहाँ पर कम दिख रही होगी क्वेश्चन की लाइट कम है मैंने भी बढ़ा ली है आपने भी बढ़ा लीजिए ओके गाइज डन okay so moving toward the next question this is looking very simple guys number of triangle formed by the joining 12 points are there seven of which are in a straight line so uh, in triangle this is question have been asked in 2004 so how many numbers of triangles? so out of 12 triangle, 12 points we can make the triangle 12 c 3 but see guys seven points out of them are in straight lines so they can the can't make the triangle so we have the value 12 c 3 minus 7 c 3 वट्स एवर यस सी हियर द आंसर इस ट्वेल्व सी थ्री माइनस सेवन सी थ्री एब्सल्यूटली करेक्ट गिव यू द फुल मार्क्स चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है इफ वैल्यू मतलब so अगर आपको दी गई है वन अप ऑन थ्री एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस वन तो आपको बताना है कि यहाँ टी एन की वैल्यू क्या होगी मतलब एंथ टर्म यहां पे क्या होगा आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं सो लेट सी वी हैव द फर्स्ट फ्यू टर्म्स आर वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अप टू अप टू एन स्क्वायर तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ एन इंटू एन प्लस वन इन टू टू एन प्लस वन अपॉन में कितना सिक्स यस yes. इसको मैं एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन में कितना लिख दिया मैंने इसको सिक्स लिख दिया डन यहाँ तक मेरे पास कितना आ चुका है सिक्स सो so, एक बार फिर से कलर चेंज कर दिया मैंने इनका एन इन टू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस देखिए क्वेश्चन कितना खूबसूरत है आप अटेम्प्ट करिए अपने आप बनता चला जाएगा टी वन से लेकर टी एन तक का सम कितना होगा माइनस ऑफ एस एन एन दिस इज इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री ब्रैकेट में एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन देखो भाई अब आप एस एन को अलग कर लो तो एस एन को आप अगर कहाँ ले जाते हो इस तरफ ले जाते हो ओके इस साइड ले जाओगे राइट में तो ये कितना बन जाएगा एन इंटू एन प्लस वन इन टू टू एन प्लस वन ओके एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स और माइनस में आपको करना पड़ेगा कितना एन बाई थ्री इन टू एन प्लस वन एन माइनस वन ओके एन प्लस वन इन टू एन माइनस वन मैंने क्या कर लिया अब देखो भाई साहब आपके पास एन प्लस वन यहाँ पे कॉमन है ओके एन प्लस वन दोनों से कॉमन है और एन भी कॉमन है सो एन इन टू एन प्लस वन आपने कॉमन ले लिया और सिक्स भी एलसीएम को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे देखिए कितना छूट गया यहाँ पे आपके पास बच गया टू एन प्लस वन और 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 सिक्स है तो थ्री एल सी एम थ्री का डिवाइड करेंगे तो टू आएगा माइनस का टू ब्रैकेट में बचा कितना एन माइनस वन चलो इसको ओपन कर दो तो एन इन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स बाहर बैठा हुआ है टू एन प्लस वन ओके okay, और 2n एन प्लस वन माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2n और प्लस का कितना हो जाएगा 2 2 से 2 कैंसिल हो गए तो अंदर कितना बच गया 1 प्लस टू थ्री बच गया मतलब Sn की वैल्यू कितनी आ गई फाइनली आपके पास n इन टू एन प्लस वन अपॉन नीचे बैठा है 2 और ऊपर आ गया 3 तो ये हो गया कितना 2 ओ भाई साहब मतलब n एस एन इक्वल टू कितना हो गया n इन टू एन प्लस वन अपॉन टू और आपको पता है कि अगर Sn ये होगा अगर एस एन आपके पास ये हो जाएगा तो आपके पास में टी एन कितना हो जाएगा अगर एस एन आपके पास में एन इन टू एन प्लस वन बाई टू हो जाएगा ओके तो टी एन कितना हो जाएगा टी एन आपके पास में हो जाएगा एन क्यों क्योंकि nth टर्म आपके पास में एन होगा क्योंकि nth टर्म का जो सिग्मा होता है जो एस सिग्मा एन हुआ करता है वो होता है एन इन टू एन प्लस वन बाई टू तो लॉजिकली आप यहाँ पे अप्रोच कर लेंगे कि यहाँ पे जो टी एन आएगा वो कितना आ जाएगा एन आ जाएगा ओके okay, डन क्या बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था ये बन गया आपसे ओके गाइस मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है आपसे यहाँ आपसे पूछा गया है 237 थर्टी सेवन होल्ड टू द पावर सिक्स का यूनिट प्लेस क्या होगा जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो आप इस यूनिट प्लेस को देखा करो और विचार किया करो कि देखो 7 की पावर क्या क्या हो सकती है तो 7 की पावर 1 7 की पावर 2 7 की पावर 3 7 की पावर 4 7 की पावर 5 ऐसे कुछ लिख लिया करो भाई सेवन की पावर सेवन क्या होता है वन होता है सेवन की पावर टू कितना होता है फोर्टी मतलब अगर आप पावर टू करोगे यहाँ पे तो फोर्टी नाइन आएगा सेवन की पावर थ्री कितना होता है आई थिंक थ्री फोर्टी थ्री एंड सेवन की पावर फोर जो भी आएगा चलो कर लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर है मेरे पास तो सेवन टू दी पावर फोर निकाल लेते हैं हम लोग ना सेवन मल्टीप्लाई बाई सेवन सेवन ओ भाई अच्छा मल्टीप्लाई बाई सेवन मल्टीप्लाई बाई सेवन इक्वल्स टू देखो कितना आ गया टू फोर जीरो वन टू फोर जीरो वन ओ ये आ गया पेन टू फोर जीरो वन बच्चों हमें मतलब है यहाँ इस वन से आप देखो सेवन की पावर फोर में कितना आ रहा है टू फोर जीरो वन मतलब हम सेवन की पावर फोर के चाहे कितने भी फैक्टर ले लें वन 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 मल्टीप्लाई होगा जैसे सेवन की पावर आपने मान लो ले लिया एट सो यू कैन राइट सेवन की पावर फोर इंटू सेवन की पावर फोर तो यूनिट प्लेस इसका भी वन है और यूनिट प्लेस इसका भी वन है तो वन वन से मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट प्लेस कितना आएगा वन तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इतनी पावर फोर्स में कितनी बनती है तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को देखिए यस तो 237 की होल पावर सेवन सिक्स है तो 610 को सबसे पहले हमने 4 से डिवाइड किया ओके कि भाई 4 4 के कितने जोड़े बनेंगे 610 हंड्रेड टेन फोर 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 ओके फोर बन जा फोर यहाँ पे आया वन यहाँ पे आया फोर टू जाट और कितना आ गया तीन जीरो फोर कुछ गलती हो गई क्या भाई वन फिफ्टी टू आ रहा टू थर्टी सेवन में सिक्स हंड्रेड सेवन में फोर वन जा वन हो फोर वन झा फोर हो गया ओ हो 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 हो, हो, हो ट्वेंटी वन आया था ना फोर फाइव जा ट्वेंटी यस फोर फाइव जा ट्वेंटी और यहाँ पे कितना आ गया वन ज़ीरो वन जीरो तो फोर टू जाट तो देखो अब आप क्या लिख सकते हो टू आया अब आप लिख सकते हो वन फिफ्टी टू मल्टीप्लाई बाई फोर और प्लस टू फोर इंटू वन फिफ्टी टू प्लस फोर जिसको आप लिखते हो टू थर्टी सेवन की पावर फोर की पावर वन फिफ्टी टू देखो दोस्तों यहां करने से ये कितना प्रोड्यूस करेगा यूनिट प्लेस ले रहे हैं सब नहीं ले रहे हैं ओके हम यूनिट प्लेस ले रहे हैं तो इसमें टू थर्टी सेवन की पावर फोर जो है मतलब टू थर्टी सेवन की पावर फोर का यूनिट प्लेस क्या है सेवन की पावर फोर अब सेवन की पावर फोर जितने बार भी मल्टीप्लाई होगा वन फिफ्टी टू टाइम्स आप इसको पावर करोगे तो वन की पावर वन फिफ्टी टू तो वन ही आएगा मतलब यूनिट प्लेस इसकी वजह से तो वन आ गया अब मल्टीप्लाई करते हैं अब बचा कितना अब बचा आपके पास टू थर्टी सेवन की पावर टू तो 237 की पावर 2 जब करोगे तो 237 थर्टी सेवन इंटू टू का यूनिट प्लेस कितना जनरेट होगा 9 और दूसरा जो टर्म आपके पास में आया है उसका यूनिट प्लेस कितना है 1 तो 1 मल्टीप्लाई बाई नाइन करोगे तो आंसर कितना आएगा 9 तो कितना कठिन सा दिखने वाला क्वेश्चन लॉजिकली कितना इजी हो चुका है दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो चलते हैं ओके okay, तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज सेवन डिफरेंट बॉल्स कैन बी अरेंज इन टू फाइव डिफरेंट बॉक्स मतलब आपके पास टोटल बॉल्स यहाँ पे कितनी हैं सेवन है ओके okay, और आपके पास बॉक्स कितने हैं सेवन टू थ्री फोर फाइव आपके पास पांच बॉ पाँच बॉक्सेस हैं तो देखिए सबसे पहली चीज ये है कि आपके पास बॉल्स कितनी हैं बॉल्स आपके पास सात हैं तो सात बॉल जहाँ भी जाएंगी आपस में फैक्टोरियल सात तरीके से तो ए, क्या हो जाएंगी सात तरीके से आप जो हैं इनको परमोटेट कर सकते हो सात तरीके से फैक्टोरियल सेवन तरीके से आज इधर उधर हो जाएंगी ओके देन इसके बाद आपको सात बॉलों के लिए <coughs> सात बॉलों के लिए डिफरेंट फाइव बॉक्सेस को आपको सेलेक्ट करना है ना तो सात बॉलों के लिए आपको डिफरेंट फाइव बॉक्सेस को सिलेक्ट करना है तो से, सेवन सी फाइव तो पहले सात के लिए पाँच बॉल्स को आप पाँच बॉक्सेस को आप सेलेक्ट कर लें ओके okay, देन उसके बाद आपको क्या करना है जो आप पांच बॉक्सेस में आपने से, सेवन बॉल्स रखी हैं तो उनको आप क्या कर दीजिए फैक्टोरियल सेवन तरीके से परमोटेट करा दीजिए क्योंकि कोई बाध्यता नहीं है सात बॉलें कहीं भी जा सकती हैं और एक बॉक्स में कितने भी हो सकते हैं और सात बॉलों के लिए हमको पांच का सिलेक्शन करना है तो यस तो इसका आंसर देखिए इसका आंसर किस तरीके से हो जाएगा ओहो ये तो डीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है तो सॉरी बच्चों यहाँ पर गलती हो गई है तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट का ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पे एक लाइन कही गई है सच दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्पटी सच दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्पटी ये वाली कंडीशन भी कह दी गई है इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा यहाँ पे एक नया फॉर्मूला लग जाएगा ओके फैक्टोरियल सेवन तो होगा ही इन टू सेवन माइनस वन सी फाइव माइनस वन टोटल फाइव दिए थे ना तो फाइव माइनस वन का कंसेप्ट हाँ ये कंसेप्ट लगता है यहाँ पे तो नोट कर लीजिए फैक्टोरियल सेवन मल्टीप्लाई बाई सेवन माइनस वन सी फाइव माइनस वन और यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए तो आपको फीलिंग आ जाएगी इन हाउ मेनी वे सेवन डिफरेंट बॉल्स कैन बी अरेंज इन टू द फाइव डिफरेंट बॉक्सेस सो दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम टी मतलब यहाँ पर हमको कोई भी बॉक्स एम टी छोड़ना नहीं है ओके okay, चलिए तो ये इस तरीके से इसका सोल्यूशन होगा डन सो so, मैं कहूँगा इसका एक फार्मूला आप लोट कर लीजिए कि अगर आपके पास एन थिंग्स हैं ओके और अगर आप उनको आर बॉक्स में आप रखना चाहते हो कैसे रखना चाहते हो सच दैट नो बॉक्स नो बॉक्स शुड बी एम टी नो बॉक्स एम टी आपके पास कोई डिब्बा खाली ना हो तो आपका तरीका क्या होगा फैक्टोरियल एन मल्टीप्लाई बाई एन माइनस वन सी आर माइनस वन ये तरीका होता है फैक्टोरियल एन एन मल्टीप्लाई बाई एक्स एन माइनस वन सी आर माइनस वन ओके गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है द नंबर ऑफ द ट्रायंगल दैट फॉर्म बाय द चूजिंग द वर्टिसेस फ्रॉम द सेट ऑफ 12 पॉइंट्स सेवन ऑफ व्हिच लाइंग ऑन द सेम लाइन सो वेरी सिंपल गाइस इसमें 12c3 को सेलेक्ट करिए और 7c3 माइनस कर दीजिए बिकॉज टोटल पॉइंट्स आर ट्वेल्व आउट ऑफ दम सेवन आर कोलिनियर पॉइंट्स सो दे विल नॉट मेड अ ट्रैगल सो आंसर इक्वल्स टू वन डन ओके फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है द नंबर ऑफ द डिवाइजेस ऑफ द नाइनटी सिक्स हंड्रेड्रेड्रेड्रेड इंक्लूडिंग वन एंड नाइनटी सिक्स हंड्रेड कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए नंबर ऑफ़ डिवाइजेस निकालने के लिए तो आप क्या करिए कि नाइनटी सिक्स हंड्रेड को आप फैक्टराइज कर लो तो नाइन्टी सिक्स हंड्रेड को आप फैक्टराइज करोगे तो टू से जाएगा कितने बार जाएगा फोर्टी एट हंड्रेड बार फिर ये टू से जाएगा कितने बार भाई ट्वेंटी फोर हंड्रेड बार फिर ये कितने से जाएगा टू से जाएगा बारह सौ बार फिर ये टू से जाएगा कितने बार छः सौ बार फिर टू से जाएगा कितने बार ये तीन सौ बार देन टू से जाएगा कितने टाइम्स ये वन फिफ्टी टाइम्स देन ये टू से जाएगा कितने बार वन ट्वेंटी फाइव टाइम्स नो 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 सेवेंटी फाइव टाइम्स जाएगा भाई साहब सेवेंटी फाइव दैन थ्री से जाएगा कितने बार ये ट्वेंटी फाइव टाइम्स देन फाइव से जाएगा कितने बार ये फाइव टाइम्स और ये फाइव से जाएगा वन टाइम्स सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टू 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 पावर सेवन ओके एंड थ्री टू पावर वन एन फाइव टू दी पावर टू अगर मैंने गलती नहीं करी है तो टू टू दी पावर सेवन थ्री टू द पावर एन एन फाइव टू दी पावर टू ये आ गए इसके टोटल फैक्टर अब आपको ये देखो याद करो अगर आपको नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स सारे के सारे प्राइम भी कंपोजिट भी जितने भी फैक्टर होते हैं तो जितनी पावर्स आई हुई है ना इनको वन 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 एड करके मल्टीप्लाई कर दो ओके तो पहली पावर कितनी है सेवन प्लस वन मल्टीप्लाई बाई दूसरी पावर थ्री प्लस वन ओके और मल्टीप्लाई बाई कितनी है पावर्स टू प्लस वन ओके तो इस तरीके से आपके पास इसको सॉल्व कर लो ओके okay? तो जितनी भी पावर्स है उनमें वन 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 ऐड कर दो तो आपके पास में यहाँ फाइव टू प्लस वन तो ओके okay, आपके पास कितना आएगा एट इंटू यहाँ पे वन है सॉरी बच्चों तो पावर तो वन है तो वन प्लस वन हो जाएगा एट इंटू टू और यहाँ टू पावर है तो थ्री एट टू जा सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट तो टोटल इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकलेंगे फोर्टी एट अगर बोला जाए कि वन को छोड़ कर के लिविंग वन अगर वन को फैक्टर छोड़ करके बोला जाए तो कितना आएगा फोर्टी एट माइनस वन अगर बोला जाए कि वन और फोर्टी एट को छोड़ करके तो टोटल फैक्टर फोर्टी एट आए हैं और माइनस टू कर दोगे तो टोटल फोर्टी सिक्स फैक्टर आएंगे अब एक चीज और जो मान लो यहां पर बोलेगा सम ऑफ फैक्टर ओके सम ऑफ फैक्टर कैसे करते हैं देखो यहां पर आपके पास सबसे पहले देखो टू की पावर कितनी है सेवन है तो समैक्टर करने के लिए जो भी आपके पास पावर हुआ करती है आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ इस तरीके से जैसे टू की पावर सेवन है तो टू की पावर जीरो प्लस टू की पावर वन प्लस टू की पावर टू प्लस टू की पावर थ्री प्लस टू की पावर फोर प्लस टू की पावर फाइव प्लस टू की पावर सिक्स प्लस टू की पावर सेवन ये हो गया पहला मल्टीप्लाई बाई थ्री की पावर जीरो प्लस थ्री की पावर वन ओके और मल्टीप्लाई बाई फाइव की पावर जीरो प्लस फाइव की पावर वन प्लस फाइव की पावर टू ये जो आप ऐड कर लीजिए ये आपके पास जितने भी फैक्टर बनते हैं ये सारे फैक्टर का सम आएगा और इसमें आपके सारे फैक्टर शामिल हैं मतलब ज़ीरो भी शामिल है और वो टोटल का टोटल जो नंबर बनेगा वो नंबर भी शामिल है तो इस तरीके से आप टोटल फैक्टर्स का सम भी निकाल सकते हो ओके तो मैंने आपको बता दिया क्या कि सम ऑफ़ द फैक्टर्स भी मैंने बता दिए और टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर भी मैंने बता दिए हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर के के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया तो एक बार फिर से बता दूँ टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर की शॉर्ट ट्रिक अगर आपके पास में कोई नंबर यदि आ रहा है सपोज़ आपके पास में यदि कोई नंबर आ रहा है ए की पावर एम वन इंटू बी की पावर एम टू इंटू सी की पावर एम टू की, की फॉर्म का एम थ्री की फॉर्म का तो आपके पास जो टोटल फैक्टर बनेंगे वो कितने बनेंगे एम वन प्लस वन इन टू एम टू प्लस वन इन एम थ्री प्लस वन इतने टोटल फैक्टर बनेंगे देखिए याद रखिएगा बीच में किसका साइन होता है प्रोडक्ट का बीच में किसका साइन हुआ करता है प्रोडक्ट का बीच में साइन होता है एम वन प्लस वन एम टू प्लस वन एंड एम थ्री प्लस वन दैट्स इट डन ओके गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये मैं कहूँगा कि ये बहुत हाईली ट्रिकी क्वेश्चन है इसको याद रख पाना बहुत मुश्किल होता है और ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को हम बोलते हैं डी अरेंजमेंट्स ओके इसको हम बोलते हैं डी अरेंजमेंट्स आपने सुना होगा सुधारना बट ये क्वेश्चन में बिगाड़ना है ओके तो जब भी बिगाड़ने वाले क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन लगाना पड़ेगा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा सो देयर आर फाइव लेटर्स एंड फाइव डिफरेंट एनवेप आपके पास पांच लेटर हैं और पांच डिफरेंट एनवेल्प हैं द नंबर ऑफ इन द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल द लेटर्स कैन बी पुट इन रॉन्ग एनवेल्प तो आपको टोटल वेज बताने हैं कि कितने तरीके से जो पत्र है वो गलत एनवेलप में मतलब जो लेटर है वो गलत एनवेलप में भी रखा जा सकता है मतलब पत्र ऐसे कितने तरीकों में रखा जा सकता है कि वो उसके सही मालिक को ना मिले ऐसा भी कह सकता है कि इन हाउ मेनी वेज द लेटर बी पोस्टेड सच दैट इट विल नॉट रीच द एक्यूरेट जो उसका मालिक है उसको ना मिले सो हाउ मच देखो इसमें लगता है डी अरेंजमेंट डी अरेंजमेंट मतलब बिगाड़ एक तरीके से सो डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला कितना होता है सबसे पहले ऊपर जितने आपके पास ऑब्जेक्ट हैं जैसे यहाँ पे एन है सो एन का फैक्टोरियल लगता है सबसे पहले जैसे कि ये n का फैक्टोरियल ओके फिर ब्रैकेट में वन माइनस वन से स्टार्ट होगा फिर वन अपॉन वन अपॉन फिर वन अपॉन फैक्टोरियल वन जैसे ये दिखा फार्मूला देखिए यहाँ पे टोटल फाइव लेटर हैं सो क्या मैंने बताया फार्मूला आपको फैक्टोरियल एन माइनस वन वन माइनस से होगा वन अपॉन फैक्टोरियल वन फिर प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू माइनस अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस अपॉन फैक्टोरियल फोर इस तरीके से चलते जाइए सो फैक्टोरियल एन आपके पास कितना है फैक्टोरियल फ़ाइव ब्रैकेट में वन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल फोर और ये फाइव तक चल रहा है माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल फाइव तो इसको सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर कितना आ रहा है इसका आंसर uh, आपका आ रहा है 44. तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको इस क्वेश्चन में और इसको फार्मूले को याद रखेगा इसे बोलते हैं हम डी अरेंजमेंट्स। डी अरेंजमेंट मतलब गलत करने के तरीके फार्मूला एक बार फिर बता देता हूँ फैक्टोरियल एन ब्रैकेट लगाइए वन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल वन ओके okay, जो तो जीरो हो जाएगा फिर कितना हो जाएगा अपने पास में वन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल फोर और माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल फाइव इस तरीके से जितने टोटल्स आपके पास हैं वहाँ तक चलें आपका आंसर आ जाएगा सो दिस इज़ डन ओके गाइस आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यही फाइव पी आर इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ सिक्स पी आर माइनस वन तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है सिंपली इसको आपको सॉल्व करना है सो फाइव पी आ फैक्ट्रल फाइव अपन फैक्ट्रल फाइव माइनस आर एंड टू टाइम्स ऑफ फैक्टोरियल सिक्स अपॉन सिक्स माइनस आर प्लस वन दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सेवन माइनस आर अब इसको आप सिंप्लीफाई ओपन करते जाइए देखिए फैक्टोरियल फाइव है और ये सिक्स पी आर सिक्स इंटू फैक्ट्रल फाइव बन जाएगा ये कैंसिल हो गया अब देखो फैक्टोरियल फाइव माइनस आर और सेवन माइनस आर में कौन बड़ा है सेवन माइनस आर है तो सेवन माइनस आर सिक्स माइनस आर में टूट के ये कैंसिल हो गया अब इक्वेट कर दीजिए तो आपके पास आर की दो वैल्यू आ गई हैं थ्री एंड टेन तो बट आप देखिए आपके पास जो था फाइव पी आर था क्वेश्चन में ओके फाइव मतलब एन की वैल्यू क्या थी फाइव थी एन इक्वल टू फाइव और आर कभी एन से बड़ा नहीं हो सकता आर हमेशा एन से क्या होता है छोटा होता है तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी थ्री होगी बिकॉज आर इज़ बिटवीन जीरो टू फाइव डन सो आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे थ्री होगी ओके मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन तो इतना ईजी की बात ही क्या सो फ्रॉम अ कमेटी ऑफ एट पर्सन हाउ मेनी वेज़ वी कैन चूज अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन तो भाई दो लोगों को सेलेक्ट करना है सबसे पहले तो पहले हम क्या सेलेक्ट करेंगे एट में से एक बंदा सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सात लोग बचे सात में से एक और सेलेक्ट करेंगे सो एट सी वन ओके हमने एक सेलेक्ट कर लिया एट सी वन तो एट तरीके से हो गया सेवन सी वन सेवन तरीके से ओके सो आंसर कितना आ जाएगा एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स तो इसका करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट okay so आंसर है ऑप्शन नंबर फोर दैट इज इक्वल टू फिफ्टी सिक्स डन ओके गाइस सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर देखते हैं क्वेश्चन हाउ मेनी डिफरेंट नाइन डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट ऑफ द नंबर टू टू थ्री थ्री फाइव फाइव ट्रिपल एट नंबर है आपके पास में तो देखिए यहाँ पे अपने पास टोटल नाइन डिजिट है तो नाइन डिजिट में अपने पास इवन प्लेसेस हैं चार और ऑड प्लेस हैं पांच जिसमें क्या गया कि इवन प्लेसेस में आपको किसको रखना ऑड नंबर को तो ऑड नंबर हमारे पास है थ्री थ्री फाइव फाइव तो चलिए सबसे पहले हम इवन प्लेसेस में ऑड नंबर को टोटल चार ऑड नंबर चार जगह में आएंगे फोर पी फोर अब दोनों के दो दो सेम सेम हैं तो उनको फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू कर दिया बच गए पांच इवन पांच ऑड नंबर सॉरी पांच इवन नंबर जो दिखने में इवन है और इवन नंबर ऑड प्लेसेस में आएंगे तो फाइव नंबर हैं सो टोटल फाइव पी फाइव अपॉन इनके जोड़े बना लीजिए तो आठ तीन बार है तो फैक्टोरियल थ्री और दो दो बार है तो फैक्टोरियल टू चलिए सॉल्व कर दीजिए इस प्रकार से और तो टोटल आंसर आएगा 60 तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए सी लेट सी द आंसर ऑप्शन नंबर सी मतलब थ्री सिक्सटी बिल्कुल सही है सो इट इज़ डन ओके गाइस चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ द थ्री डिफरेंट डिजिट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन रिपिटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड तो यहां पे कहा गया है कि इन डिजिट्स को लेके तीन डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं कि हम रिपिटेशन अलाउड ना हो तो सबसे पहले तीन डिजिट के कॉलम्स आपने बना लिए देखिए यहां ये आ गए हैं अब तीन डिजिट्स में इवन नंबर कर रहे तो इवेंट नंबर में यहां पर इवन नंबर ही होने चाहिए अगर आपको इवन नंबर बनाया तो इवन नंबर में देखिए दो है चार है छह है आठ है तो आपके पास यहां पर कितनी चॉइस हुई फोर चॉइस और फोर चॉइस हो चुकी है बाकी कितने नंबर बच गए वन टू थ्री फोर फाइव मतलब फोर चॉइस में से कोई भी एक चॉइस आपके पास में यहां आएगी टोटल चॉइस इस प्लेस के लिए कितनी हो गई फोर ओके बच गई कितनी गई पांच अब देखिए चार में से कोई एक रखोगे अब कोई सब तो रखने क्योंकि चार में से चार तो आएंगे नहीं कोई एक आएंगी तो बचेंगी कितनी सात में तीन बच जाएंगी सो so टोटल अपने पास प्लेसेस कितने अभी यूज़ होने बाकी एट तो अगले के लिए एट यूज़ होंगे अगले के लिए सेवन यूज़ होंगे तो आंसर टोटल सेवन इंटू एट इंटू फोर फिफ्टी सिक्स इंटू फोर दैट इज इक्वल टू टू ट्वेंटी फोर सो करेक्ट आंसर इज वी आंसर नंबर ए डन आंसर इज़ टू ट्वेंटी फोर बिल्कुल सही है ओके okay, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इजी है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज़ कैन बी द लेटर ऑफ द वर्ड मैथेमेटिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टोटल एलेवन वर्ड है यहाँ पे अब कह रहा कितने नए नंबर्स बना सकते हो तो देखो यहाँ पे जो सेम है आपके पास टी दो बार रिपीट हो रहा था फैक्टोरियल टू और आपके पास एम एक बार ही है और कौन रिपीट हो रहा है आई आई आई, आई भी रिपीट नहीं हो रहा है ओके okay, फैक्टोरियल टू आपके पास ई है क्या कौन और रिपीट हो रहा है देख लीजिए यस तो फैक्टोरियल टू आपके पास रिपीट हो रहा है काफ़ी सारे वर्ड रिपीट हो रहे हैं देखिए यहाँ पे डिटेल में मेरा ए दो बार रिपीट हो रहा है सी देखिए एक बार है ई e एक बार है ओके एम देखिए दो बार रिपीट हो रहा है ओके और टी कितने बार रिपीट हो रहा है दो बार रिपीट हो रहा है यस तो टोटल नंबर ऑफ न्यू वर्ड्स आर फैक्टोरियल एलेवन अपॉन टू इंटू टू फैक्टोरियल टू सो आंसर कितना आ जाएगा एलेवन फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल टू का क्यूब जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है आपने क्लास एलेवन ट्वेल्थ सी बी एस ई की बुक्स में देखा ही होगा ये क्वेश्चन तो आता ही है डन Okay देखिए अगला question highly conceptual है मैं में से आर चीजों को आपको साथ में लेना है okay, n में से चीजों को आपको साथ में लेना है इन विच थ्री पर्टिकुलर थिंग्स मस्ट अकर टुगेदर जिसमें तीन लोग जो हैं साथ में आ रहे हैं तीन चीजें हमेशा साथ में आ रही हैं। तो जब तीन आपकी हमेशा लेनी है आपको तो उनको साथ में लेना ही है तो सबसे पहले उनको परमुटेशन से कॉम्बिनेशन से सिलेक्शन से बाहर कर दीजिए ऊपर भी तीन को बाहर कर दिया एन थ्री और नीचे भी तीन को बाहर कर दिया आर माइनस थ्री बट आपने उन तीन को ले रखा है ओके तो एन माइनस थ्री और r माइनस थ्री तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो गए पहले एन सी थ्री माइनस आर माइनस थ्री अब देखिए आपने r माइनस थ्री तो सिलेक्शन की लॉटरी से और तीन बंदे आपके पास ये हैं वन टू थ्री तो r माइनस थ्री के साथ साथ के एक बंदा इसको एक पूरा का पूरा एक पैकेट मान लो ओके तो इसको पूरा का पूरा एक आपने पैकेट मान लिया आर माइनस थ्री प्लस वन तो टोटल कितना हो गया आर माइनस टू अब आर माइनस टू लोग जो हैं क्या कर सकते हैं परमुटेट कर सकते हैं ओके आर माइनस टू पीपल्स आपस में क्या कर सकते हैं परमुटेट कर सकते हैं सो क्योंकि आपने सी का फॉर्मूला लगाया है तो आर माइनस टू लोग्स आपने परमुटेट कराने हैं सो क्या लगाएंगे सिलेक्शन तो कर लिया आपने एन सी एन माइनस थ्री सी थ्री आर माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल आर माइनस टू ये कर दिया अब देखो एक चीज़ ये इसके अंदर भी तो ये लोग आपस में खदड़ बदड़ कर सकते हैं ना तो इसलिए क्या करोगे फैक्टोरियल थ्री तो करेक्ट आंसर इसका कितना आएगा देख लो ऑप्शन में एन माइनस थ्री सी आर माइनस थ्री आर माइनस थ्री नहीं ये नहीं होगा आर माइनस टू का फैक्टोरियल आंसर नंबर इसका वन होगा देखते हैं क्या है यस करेक्ट आंसर इसका वन है तरीका देख लीजिए शायद यही होना चाहिए एन माइनस थ्री सी आर माइनस थ्री आर माइनस टू का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल सी सो so, दैट्स इट ये हो गया आपका करेक्ट आंसर डन ओके okay, देखिए अगला क्वेश्चन तो इतना इजी है कि जिसका पूछो ही मत भाई साहब दे रहा टेन ट्रू फॉल्स क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन देन द क्वेश्चन आस्क देखो भाई हर क्वेश्चन के लिए पहले से लेके दूसरा और दस तक के क्वेश्चन लिखे और हर क्वेश्चन के लिए आपके पास दो चॉइस है पहले के लिए भी दो चॉइस है या तो ट्रू टिक कर लो या तो फॉल्स टिक करो ओके सो करेक्ट आंसर इसके देखिए हर क्वेश्चन के लिए दो चॉइस है तो इस तरीके से टेन क्वेश्चन के लिए टू टू चॉइस करते मल्टीप्लाई करते जाइए आंसर होगा टू की पावर डेन एंड आई थिंक इट वुड बी वन जीरो टू फोर लेट्स चेक करेक्ट आंसर है भाई साहब वन जीरो टू फोर ऑप्शन नंबर थ्री सो इसका आंसर हो गया वन जीरो टू फोर वेज डन चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी यहाँ पे क्या दिया हुआ है कह रहा द नंबर ऑफ द वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड हवाना सो दैट वी एंड आर डू नॉट अपीयर टुगेदर तो कह रहा है वी और एन जो है साथ में नहीं आने चाहिए तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं टोटल केसेस निकालते हैं हमारा आने के तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो टोटल फैक्टोरियल सिक्स अपॉन देखो रिपीट कौन कौन हो रहा है ए ए ए तीन बार तो फैक्टोरियल सिक्स अपॉन फैक्टोरियल थ्री वहाँ पे वन ट्वेंटी केसेस हो गए अब साथ में आने के लिए जो साथ में आ रहे हैं ऑन और वी को साथ में ले लोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स साथ में ले लोगे तो टोटल आपके पास में कितने बच जाएंगे आपके पास में यदि साथ में ले लेंगे तो टोटल आपके पास छः थे तो छः में यदि आप एन और वी को साथ में ले लेते हो देखो आपके पास क्या बचेगा एच ए बचेगा हट गया ए बच गया और आपने एन भी साथ में ले लिया ए बच गया है तीन बार ए बच चुका है और एन और वी को आपने साथ में ले लिया इसको बंडल बना लो अब टोटल लेटर गिनो वन टू थ्री फोर फाइव टोटल लेटर हो चुके हैं फैक्टोरियल फाइव जिसमें तीन सेम है ये साथ में आने के केसेस हैं और साथ ही एन और वी की परमुटेशंस होगी कितनी दो <coughs> आपस में जो रोटेट होंगे तो टू होंगे इसको भूलना मत भाई फैक्टोरियल थ्री अपॉन फैक्ट फैक्टोरियल फाइव अपॉन थ्री इंटू टू दैट इज इक्वल टू फोर्टी तो टोटल साथ ना आने केसेस इक्वल टू टोटल केसेस वन फोर्टी माइनस आने के चालीस तो आंसर कितना होगा एट्टी केसेस हुए साथ ना आने के डन